अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड परीक्षा डेट शीट इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आप यहां पर देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष 2024 हेतु प्रतिक्षण पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र पूरित किए जाने के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चे इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या क्या बातें इसमें लिखी है, कब से आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। एक बात और, यहाँ पर देखिए, डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरने हेतु पीएनपी प्रयागराज से आदेश जारी हो चुका है। 12 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। डेट ध्यान दीजिए जरा। उसके बाद डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा अगस्त माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तावित है। तो डीएलएड की हमारी डेट शीट क्या हो सकती है, यहाँ पर हम आपके सामने रख दे रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, ये पिछले साल की डेट शीट है। 3 जुलाई से हमारा एग्जाम शुरू हुआ था, जुलाई के ये फर्स्ट वीक में शुरू हुआ था। इस बार दोस्तों हम लोग अगस्त के पहले सप्ताह से पेपर देख सकते हैं। ठीक है, पहला सप्ताह दोस्तों जो हमारा शुरू होगा मंडे का दिन है, तो यहाँ पर 1 तारीख से शुरू हो रहा है। या तो ये 1 तारीख से पेपर करें या 5, चलिए देखते हैं यहाँ पर डेट और क्या क्या बातें लिखी है। पहला पॉइंट है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा बीटीसी प्रशिक्षण 2015 सेवारत या मृतक आश्रित उर्दू डीएलएड 2018-2021 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर एवं डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2023, यहाँ पर देखिए 2023 का जो बैच है, प्रथम सेमेस्टर अभ्यर्थियों की परीक्षा फॉर्म 2024 हेतु ऑनलाइन पत्र वेबसाइट यहाँ पर दी गई है, इस पर पूरित किया जाएगा। देखिए आपको बता दें, कोई भी बच्चा खुद से फॉर्म नहीं भरेगा, आप लोग अपने कॉलेज के माध्यम से अपना फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2017-19 बैच, डीएलएड प्रशिक्षण 2022 प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर अभ्यर्थियों की परीक्षा वर्ष 2024 हेतु ऑनलाइन पत्र हेतु वेबसाइट यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो हर एक बैच की देखिए वेबसाइट अलग रहती है, तो यहां पर एक बात और क्लियर होगी, जो डीएलएड 2023 बैच की वेबसाइट रहेगी उसमें बीटीसी एग्जाम वाली, ठीक है ना। तो यहां पर दो तरह का आपका रिजल्ट आता है, आप लोग को पता होगा, चलिए वो सब चीजें हम आपको बताएंगे और आगे बातें क्या लिखी है वो भी हम आपके सामने रखते हैं। देखिए इसके लिए जो फीस लगेगी वो कॉलेज वाले आपको बता देंगे। कॉलेज वाले देखिए आपसे एक्स्ट्रा फीस वसूल करते हैं, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, कितना पैसा लगेगा, कैसे क्या होगा। ठीक है, अभी तक जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू नहीं की, अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या थर्ड सेमेस्टर की, ठीक है, हमारे पास जो वीडियोस हैं अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर हमारा लिख लीजिएगा 8738079216। बाकी उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ाई पूरी कर चुके होंगे। अगर जिन भी बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है, अगर आप लोग को सेमेस्टर की वीडियोस चाहिए अंतिम समय में पढ़ने के लिए फ्री में, तो आप हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, और बातें क्या लिखी है, संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपरोक्त परीक्षाओं के आवेदन पत्र हेतु शुल्क सहित दिनांक 12/7/2024 से लेकर 21/7/2024 तक पूरित किए जाएंगे तथा उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा। बहुत बार आपके कॉलेज वाले क्या गलती करते हैं, आप लोग को फॉर्म भरना भूल जाते हैं तो फिर आप दिक्कत में आते हैं, तथा ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विगत सेमेस्टर की परीक्षाओं में कतिपय प्राचार्य डायट द्वारा परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन आवेदन न पूरित करने वाले संस्थानों के ऑफलाइन आवेदन अग्रसारित करते हुए अधोस्ताक्षरी कार्यालयों को प्रेषित किए जाते हैं, उक्त स्थिति कदापि उचित नहीं है। यदि पुनः इस प्रकार की स्थिति प्रकाश में आती है तो तत्काल उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए दंडात्मक कार्रवाई हेतु अनुरोध कर दिया जाएगा, जिसका संपूर्ण दायित्व संबंधित प्राचार्य डायट का व्यक्तिगत होगा। देख लीजिए दोस्तों, आप लोग देख लीजिए, कॉलेज के माध्यम से करना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं, अब दोस्तों पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। तो 10 जुलाई 2024 को हमें ये बड़ी खुशखबरी आज शाम तक मिल गई है, तो 11 जुलाई को भी बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो भैया आप लोग पढ़ने में लग जाइए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपको बता दें 19 जुलाई और 20 जुलाई को बिहार में शिक्षक भर्ती का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, वहाँ पर पेपर है, उत्तर प्रदेश से बहुत से बच्चे बिहार जाएंगे पेपर देने, उम्मीद करते हैं उन बच्चों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। सीटेट 7 जुलाई का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है, उम्मीद करते हैं आप में से काफ़ी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, अब रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो भैया dlrizult.com वेबसाइट आप लोग को पता होनी चाहिए ना, dlrizult.com इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग अपना रिजल्ट लगातार देखते रहिए।
जो भी दोस्तों अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की तमाम अफवाहों से बचना है, पेपर की तैयारी कैसे करना है, स्कॉलरशिप स्टेटस का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द हम लोग देखेंगे, इसीलिए रोज हम वीडियो बनाते थे कि बहुत ही जल्द आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा। और देखिए कितना समय दिया गया, 10 तारीख है ना, 11 तारीख को बहुत से बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, 12 से हमारे फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल भी आप लोग को समय नहीं दिया जाता, बिल्कुल फंसा दिया जाता है। ठीक है, आप चाहेंगे तो घर बैठे आपके कॉलेज वाले आपका फॉर्म भर देंगे, बस आप लोग अपना भैया पैसा जो भी होगा ना बकाया वो पहुंचाएगा कॉलेज तक, नहीं तो कॉलेज वाले दिक्कत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग का पेपर कैसे होगा जरा डेट में यहाँ चेंजेस रहेगा, लेकिन आपको बता दें जो भी बच्चे प्रथम सेमेस्टर का पेपर देंगे डीएलएड 2023 बैच के, तो पहले दिन आप लोग का दो पेपर होगा, बाल विकास का होगा और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का होगा। बाल विकास का पेपर 50 नंबर का, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर 50 नंबर का। पास होने के लिए 50 में से लाना होगा 25 नंबर, ये ध्यान रखिए। ठीक है, फिर दूसरे दिन, ये पहला दिन का पेपर कंप्लीट, दूसरे दिन आपका तीन पेपर होगा, विज्ञान का, गणित का, सामाजिक अध्ययन का। ठीक है, तो आपको बता दें विज्ञान का पेपर आपका 25 नंबर का, गणित का पेपर आपका 25 नंबर का, सामाजिक अध्ययन का पेपर 50 नंबर का। पास होने के लिए 25 में से 12 नंबर और 50 में से 25 नंबर। ये अंतिम दिन आपका पेपर होगा हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, कुछ बच्चे उर्दू ले रखे होंगे उनका उर्दू का होगा। तीन दिन में आपका पेपर कंप्लीट होता है, हिंदी का पेपर 25 नंबर का, संस्कृत का पेपर या उर्दू का पेपर 25 नंबर का, कंप्यूटर का पेपर 25 नंबर का। पास होने के लिए लाना पड़ेगा 25 में से 12 12 12। ठीक है, तृतीय सेमेस्टर भी ऐसा रहेगा। शैक्षिक मूल्यांकन, समावेशी शिक्षा पेपर पहले दिन होगा, ये दोनों पेपर 50-50 के होंगे। विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन का दूसरे दिन होगा। ठीक है, डेट हटा दीजिए, विज्ञान 25, गणित 25, सामाजिक अध्ययन 50 नंबर का होगा। अंतिम दिन संस्कृत, हिंदी, ठीक है, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का, तो ये हिंदी का पेपर 25 नंबर का, संस्कृत का 25 नंबर का, कंप्यूटर का 25 नंबर का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर प्रथम सप्ताह से पेपर होगा तो ये सब डेट्स हैं आपके सामने, ये देखें, इसीलिए देखें सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है ना, बिल्कुल। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप लोग भूल जाते ना, शेयर करिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग डीएलएड से लेकर टीचर आप कैसे बनेंगे सब कुछ हम आपको बताएंगे। एक बार यूपी में वैकेंसी तो आने दीजिए, एक एक बात आपके साथ शेयर की जाएंगी कैसे क्या होता है। जी हाँ, एक बात और, सोशल मीडिया की तमाम अफवाह से बच के रहना है। फेक पेपर काफी ज्यादा वायरल होता है, अभी सीटेट का एग्जाम में हुआ था, बहुत से बच्चे फर्जी पेपर के चक्कर में पड़े और अपना एग्जाम खराब किए। ठीक है, तो होता क्या, बहुत से बच्चे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भेज देते हैं, आप लोगों को उनकी जानकारी होती नहीं, आप उन सभी चक्करों में फंसते हैं, बाद में परेशान होते हैं। ठीक है, पेपर की तैयारी लास्ट टाइम में सीरीज से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो भी सीरीज अगर आपके घर के पास अवेलेबल हो डीएलएड की वो ले लीजिए। हाँ, लघु उत्तरी क्वेश्चन जरूर देखिएगा, वो मत छोड़िएगा। ठीक है ना, तो एक और सवाल सर, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का क्या पेपर होगा, उसकी बात देखिए यहाँ पर नहीं की गई, जो कि बहुत ही गलत हुआ। प्रत्यावेदन को लेकर कुछ भी स्पेशल अलग से जानकारी नहीं है, जो भी अपडेट आएगी फिर मिलते हैं। स्टेकनेक्ट।